आपने मनुष्य की घोड़े हाथी और कुत्ते से दोस्ती की कहानी जरूर सुनी होगी, मगर कौए से दोस्ती की कहानी पहली बार सामने आई है। धमतरी के पक्षी प्रेमी प्रकाश आडवाणी की कौओं के साथ अनोखी दोस्ती है और मजे की बात तो यह है कि दोनों के बीच दोस्ती 20 वर्षों से चली आ रही है। ये परदेशी काले कौवे हर वर्ष पितृपक्ष में आते हैं और उनके हाथों से दाना चुगते हैं। गोल बाजार में कपड़े की छोटी सी दुकान से प्रकाश अपने परिवार का भरण पोषण करने के साथ ही एक हिस्सा अपने खास दोस्त कौवे पर भी खर्च करते हैं। ये कौए 2-3 महीने रहकर अपने आप चले जाते हैं। प्रकाश के इस अनोखे शौक से पहले परिवार वाले नाराज हुए, मगर बाद में वो भी प्रकाश की भावनाओं का सम्मान करने लगे। जो भी है मैं अपनी हैसियत के अनुसार खर्चा करता हूँ, ये मेरी रूटीन है, ये रूटीन मेरे को सुकून देती है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ कौओं को देखने आते हैं, मेरे यहाँ बहुत सारे कौए आते हैं, तो ये सुकून देता है, इसलिए मैं करता हूँ। और मैं भी चाहूँगा जो भी ये देख रहे हैं टीवी, वो भी अपने घर में दाना दे चिड़िया कौओं को। पहले रोटी वगैरह देते थे हमारे सासू और सास, रोटी रखते थे बना के, वो देते थे तोड़ तोड़ के, या चावल का दाना ऐसे देते थे जो भी रहता था। सारे पक्षी भी इनसे ऐसे मिले हुए हैं जैसे इनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इनके घर में 70-80-100 कौवा आते हैं और उनको ये दाना डालते हैं, जो भी खिलाते हैं, लेकिन वो उड़ते नहीं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। बड़वानी में सेंद्रा पुलिस